नमस्कार दोस्तों, झारखंड में भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात को गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया, उतार चढ़ाव भी जारी है। अगर आप भी जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, साजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, कंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत एमपी में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप किस जिले, गांव या शहर में रहते हैं पूरे झारखंड के। तो यहां पर झारखंड में अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर बरसात को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग की मान तो झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम एक बार फिर से करवट देखने को मिलने की संभावना है। वैसे तो पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा, 32.4 डिग्री के साथ चाईबासा में गर्म मौसम रहा। वहीं 11.3 डिग्री सेल्सियस के साथ गोड्डा राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। झारखंड में पूर्वी दिशा में आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से मौसम बदल गया और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर के बाद बादल भी छाए हुए नजर आए। राज्य में कुछ इसी तरह से असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बरसात होने की संभावना है और झारखंड के कई जिलों में बरसात भी होगी। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात की संभावना है और यहां पर उत्तरी भागों में देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू व गढ़वा में कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। साथ में दक्षिण पूर्वी भागों में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में हल्की बरसात हो सकती है। रांची में 13.4, जमशेदपुर में 16.2, बोकारो में 13.1, देवघर में 12.4, चाईबासा में 16.2, डाल्टनगंज में 13.2, गिरिडीह में 14.2, गढ़वा में 12.4, लोहरदगा में 12.3 और गोड्डा में 11.3 के करीबी तापमान नापा गया। इसी के साथ झारखंड के कई हिस्सों में दोस्तों 2 दिन के दौरान जो ना 21 और 22 फरवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बरसात होगी। उत्तरी झारखंड में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ जो है जिले शामिल नजर आ रहे हैं। इसी के साथ 23 तारीख तक दक्षिणी और पूर्वी झारखंड में हल्की बरसात हो सकती है। इससे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा जिला शामिल है। साथ में राज्य में 26 तारीख तक राज्य के पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। 24 फरवरी तक मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और धुंध छाई रहने के आसार भी है। लगातार दोस्तों मौसम में परिवर्तन है। बंगाल की तरफ से पश्चिम बंगाल के मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है और ऐसे में अगले 48 घंटों के दौरान 10 जिलों में बिजली गिरने के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी तूफान उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी इलाकों से होते हुए धीरे धीरे उत्तर पूर्व भारत की ओर बढ़ेगा और वहीं उत्तरी बंगाल की खाड़ी में विपरीत भंवर बन रहा है। ऐसे में इन दोनों के टकराव के कारण बंगाल के बरसात के साथ बादल छाए रहेंगे, अलीपुर में बादल छाए रहेंगे। साथ में दक्षिण बंगाल में गरज चमक के साथ बरसात की संभावना है और यहाँ पर तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी लगातार जारी है। झारखंड में मौसम अब ठंडा कम नजर आ रही है ठंडक, क्योंकि गर्मी ने दस्तक दे दी है और यहाँ पर रविवार सोमवार से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था। आज झारखंड के ज्यादातर इलाकों पर बादल भी है, आंशिक रूप से बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। मौसम मिला जुला है और बादलों के वजह के साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर दोस्तों बदलेगा मौसम और कई जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ यहां पर राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में हल्की बरसात होगी बुधवार को। और गुरुवार की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में छिटपुट बरसात की संभावना है। जबकि शुक्रवार तक रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा, सरायकेला में हल्की बरसात हो सकती है। सुबह में कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। रांची समेत मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और बादलों की वजह के साथ मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ठंड की मात्रा अधिक से अधिक जगहों पर जो है वापस से देखने को मिल सकती है बूंदाबूंदी के बाद। आप किस जिले, गांव या शहर में रहते हैं पूरे के पूरे झारखंड के हमें कमेंट करके जरूर बताना। 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। बादल छाए रहने के साथ दिन का तापमान गिरावट होगी, जिससे ठंड का एहसास होगा। और बताया जा रहा है कि मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत राज्य का मौसम साफ रहा। सुबह में कुहासे के बाद आसमान पूरी तरह से साफ रहा, जिससे राजधानी का न्यूनतम तापमान 12.5 और अधिकतम 26.2 के करीब रहा। इसी दौरान जमशेदपुर का सबसे ज्यादा, गढ़वा में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। झारखंड में पलामू के आसपास के जिलों पर भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 12.6 के करीब रहने के बाद भी कुछ हिस्सों में दोस्तों कल रात को काफी ठंडक रही और 21 तारीख से पूरा मौसम बदल जाएगा, न्यूनतम तापमान फिर से बढ़ सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने के संभावना और मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई, कहीं कहीं पर मेघ गर्जना भी हुई है और कुछ जगहों पर कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम में बदलाव होगा और विक्षोभ देश के पश्चिम उत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव के चलते हिमालय के तराई इलाकों पर आसपास राज्यों में बादल छाए रहने और बरसात होने की
सामान और इसमें झारखंड में इसका असर कई हिस्सों पर देखने को मिल सकता है और बादल भी छाए रह सकते हैं, साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात भी हो सकती है। और मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है और साथ ही साथ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा, जिससे ठंड के चलते फिर से मौसम में बदलाव होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य का कुछ जगहों पर मौसम साफ है तो कुछ जगहों पर पूरी तरह से दोस्तों अच्छी खासी जो है ना यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर कोहरे के बाद जो है ठंड महसूस हो रही थी। अब दोस्तों बदलाव के साथ परिवर्तन है, उतार चढ़ाव जारी है। 20 तारीख से पूरे झारखंड का मौसम फिर से बदलेगा और 21, 22, 23 तारीख तक कई जगहों पर लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा समेत आसपास के इलाकों पर, खूंटी समेत ज्यादातर इलाकों पर बुधवार गुरुवार को बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल और बूंदाबूंदी होने के साथ और भी ज्यादा हलचल देखने को मिल सकता है। आप झारखंड के कौन से जिले, गाँव या शहर में रहते हैं और आपके यहाँ पर मौसम में बदलाव और परिवर्तन हो रहा कि नहीं और बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों अब एक एक जिले की बात किया तो लोहरदगा में रात के समय 15-16 तो दिन में 26-27, 4 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम मिला जुला रहेगा। लातेहार में 14-15-16 रात के समय दिन में 27-28 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और 4 दिन मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहाँ पर कोडरमा में 13-14-15 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम ठंडा सोना और गुरुवार तक हल्की बूंदाबूंदी होने के आसार है। इसी के साथ खूंटी में 15-16 रात के समय दिन में 26-27 के करीब तापमान रहेगा, 4 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी है। जामताड़ा में 15-16-17 रात के समय दिन में 28-29 बुधवार गुरुवार तक बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला रहेगा। हजारीबाग में 13-14-15-16 रात के समय दिन में 26-27 बुधवार गुरुवार तक बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, मौसम ठंडा सोना है। गुमला में 16-17 रात के समय दिन में 28-29 4 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। गोड्डा की बात की तो 15-16 रात के समय दिन में 27-28 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रह सकता है। गिरिडीह की बात की तो 16-17 रात के समय 14 के करीब रात तक तापमान जाएगा तो गुरुवार तक कई हिस्सों में बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियां जारी रहने और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ परिवर्तन होगा। गढ़वा में 14-15-16 रात के समय दिन में 27-28 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला भी रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे पूर्वी सिंहभूम में 18-19 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, 4 दिन बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी होगा, मौसम ठंडा सोना भी रहेगा और मौसम मिला जुला रहने के साथ हलचल देखने को मिलेगी। दुमका की बात करें तो रात के समय 14-15 दिन में 28 के आसपास तापमान रहेगा, 4 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होने के साथ बदलाव भी हो सकता है तो कुछ जगहों पर मौसम अधिक से अधिक मिला जुला रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ धनबाद की बात करें तो 15-16 रात के समय तो दिन के समय 28 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बुधवार गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ मौसम ठंडा सोना भी अधिक से अधिक जगहों पर रहेगा। यहां पर देवघर की बात करें तो 15-16 रात के समय दिन में 27-28 डिग्री तापमान रहेगा और बुधवार गुरुवार से बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम में हलचल और मौसम काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा सोना अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर इलाकों पर जो है बोकारो में 14-15 रात के समय तो दिन के समय 28 के आसपास भी तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक और हलचल होगी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ और भी ज्यादा मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। इसी के साथ दोस्तों चतरा में 14-15 रात के समय तो दिन के समय जो है 25 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन होगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ काफी ज्यादा जगहों पर बुधवार गुरुवार तक ठंडा सोना मौसम रहने के आसार है। तो कोई जगहों पर दोस्तों अधिक से अधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सिमडेगा में 17-18 रात के समय दिन में 28-29 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, पूरे 7 दिन बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहने के साथ परिवर्तन अधिक से अधिक होगा। खरसाओं में 18-19 रात के समय दिन में 31-32 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, 4 दिन बादल छाए रहेंगे और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा। सराय